मैथ, औरत और अमेरिका को समझना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। मैथ में एटलीस्ट कोई लॉजिक तो होती है। एक जमाने तक जंगल का बादशाह एक ही होता था, वो था शेर। अब जंगल के दो बादशाह हैं, एक शेर और दूसरा अमेरिका। अमेरिकी सदर ओबामा जब सदर बने ऐसे थे, सदर बनने के एक साल बाद तीसरे साल ये हाल हो गया। फिर सदर ओबामा ने क्या किया कि उनके फिर से दांत उग गए, खुद देखें। ओबामा की हलाकत के बाद अलकायदा इस कश्मकश में है कि अलकायदा का अब नया रहनुमा कौन होना चाहिए जो दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला सके। तो अलकायदा की जानिब से नॉमिनीज हैं, नंबर वन एमन अल-ज़वाहिरी। दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए अलकायदा का दूसरा नॉमिनी है अबू याहिया एल-लिबी। तीसरी नॉमिनेशन है बराक ओबामा। अलकायदा की वोटिंग लाइंस खुली हुई हैं, जल्दी से मोबाइल उठाइए या एसएमएस या ईमेल से अपनी राय दीजिए। अमेरिकी फौजी ऑपरेशन के बाद ओसामा के बच्चों और बीवियों को पाकिस्तान छोड़ गए, क्यों? हो सकता है ओसामा ने वसीयत की हो, या फिर इसलिए कि पाकिस्तान से ओसामा की बीवियों तक रसाई का मुतालबा कर सके। मुझे उसने कहा है वो 23 मार्च 2012 को आवाम के इशारे पे पाकिस्तान आ रहे हैं। पता चला कि वो पाकिस्तान की अवाम के स्टार पर आ रही हैं या बरतानिया की अवाम के स्टार पर। डिक्टेटर्स का हिसाब और होता है, उनके 90 दिन भी 9 साल में होते हैं। पता नहीं उनका 23 मार्च 2012 किस साल होगा। सियासतदान और औरतें चुप हो कैसे हो सकता है? लुक हु इज टॉकिंग, देखते हैं। समंदर में है इसलिए अमेरिका ने कहा है एंदा सुनामी की जिम्मेदार अलकायदा होगी। रेमंड डेविस को गलानी और सदर जोरदारी के कहने पर छोड़ा आईएसआई चीफ, शर्म की बात है। हैं? ये कौन बोला? मेरा वहम होगा, वजीरे खारजा बनकर दुनिया भर में सदर जोरदारी की तरीखें दुरुस्त करूंगा। बाबर अवान हंसने के अलावा और कोई काम नहीं है नानू। जिन सियासी नाबालिगों को जो है खबर की समझ नहीं आती वो ट्यूशन पढ़े, फैसलाबाद के रिहायशी जो है वो मुझसे राबता करें। इनके जो अकलीती खादमे आला हैं उनको ये ओहदा मेरे शरीक चेयरमैन ने खैरात में दिया है। मैनू ही दे दें। अंग्रेजी के अलावा इनसे कोई नहीं डरता। इनके दुबई वाले साहब, मेरा इशारा सदर की तरफ है, उन्होंने जो है $100 की पान जिसे अंग्रेजी में चेंज कहते हैं भी लेनी हो तो किसी ना किसी मुल्क चले जाते हैं। आफरीन है जी। इनसे पूछे आफरीन का मतलब क्या है। वो मैंने डेयरी में लिखा था, उसे मैं पार दिया। किसी मैनू बजट पास करवा के वखाओ, जे तुसी वखा भी दिता ते मैं फेर भी देखना ही नहीं। शरीक चेयरमैन ने आख्या तो और बात है। वो क्या कहते हैं, बेगम? बेगम नहीं, इनका बादशाह। पता नहीं क्या बनता है उस नोट गिनने वाली मशीन का। देख रहे हो ना, मैं कहता हूँ अगर फिर इन्होंने गैर पार्लियामानी लफ्ज बोले तो फिर हम भी इनके कैद की तस्वीरें पाड़ेंगे। इनके कहने पर हमारी पार्टी ने कमीशन बनाया और कहा, बेगम बेगम नहीं कुछ और कहा था। कमीशन? वो 3 साल से बना रहे हैं। इस कमीशन का जो है हिसाब कौन देगा? देखे अजय, बेगम ये देखो, ये अखबार से बाहर निकल कर लड़ रहे हैं। देखें अखबार में लड़ना
तो ठीक है, अखबार से बाहर निकल कर लड़ना, क्या ये खुला तजाद नहीं? अब भी अखबार से बाहर नजर आ रहे हैं? नहीं। इतनी सख्त गर्मी में अखबार ना पढ़ा करें, गर्मी में दिमाग घूम ही जाता है। हाँ जी, हाँ जी। सदर वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट की मुत्तफिका करारदाद पर अमल दरामद पर तुले हुए हैं, इसीलिए इस करारदाद की अप्रूवल के लिए मुसवदा अमेरिका भेजने का सोच रहे हैं। चौधरी बरादरान ने कहा है, जाती मुफाद के लिए इदारों को कमजोर करना दुरुस्त नहीं। बिल्कुल ठीक, उन्होंने इस रुझान की हौसला शिकनी की है, जाती मुफाद के लिए इदारों को मजबूत करना चाहिए, कमजोर नहीं। हाँ ना, उन्होंने हुकूमत को मजबूत किया है ना। तकरीब तकसीम काफ कलमदान देखते हैं। अगर पंजाब में हमारी हुकूमत होती तो स्पीकर ऐसे कभी खटवट ना करते। जैसा कि आपको पता है कि आज जलसा बराए तकसीम व इनाम व कलमदान है, ये दिन पहले भी आ सकता था अगर बाबर मान हमारे पास पहले आ जाता। थोड़ी मोहनत को भी देर हो गई है, अब मैं मेहमान खसूसी को दावत देता हूँ, तशरीफ लाएं जनाब जरदारी साहब। बच्चों तालियां बजाओ। मैं चौधरी साहब और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हमारा वायदा है। और मिट्टी बाबू जी, बच्चों के नाम जान दें ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। हाँ जी, आप बताएं। मैं मॉनिटर हूँ, पाजी नाम मुझसे शुरू करते हैं। हमारा वायदा है कि सबको मिट्टी बाबू जी इनाम दो। मैंने बड़ा है नाम लेना है। नाल टॉफियां भी देंगे, ले ले फिर बदल देंगे। अगला बच्चा कोई बात नहीं, मैं पूछता हूं। देखें जी, बच्चे का मुतालबा है, गिफ्ट छोटा है बड़ा दे दें। अगले बच्चे कौन से? अमीर मकाम। लगता है इन्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, और दे देती। मुझे बड़ा चाहिए। मुझे ये नाम पसंद नहीं है, मुझे दूसरा ही नाम दे। हाँ देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, इन्हें कोई दे देगी। हमारा वायदा है बदल देंगे, वैसे भी बच्चे जिद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मुझे ये नहीं चाहिए। क्या क्या ये? आप दूसरे बच्चों को नाम शाम दें, मैं इनसे बात करता हूँ। इसे कोई और ही नाम दे दें, ये कहता है इसे इनाम इसके साइज का चाहिए। देखिए सारे इनाम ऐसे ही हैं। बाकी भी ऐसे ही, मैंने पहले दिन से बोला था इनको मेहमान खुशी नहीं बुलाने का। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, आप इतने बड़े हो गए हो, ये लो चॉकलेट खाओ, बाद में गल करते हैं। मुझे ये नाम पसंद है, इसे बदल दें। मिट्टी भाई लाज मरतबा इनके नाम तब्दील कर दें, बस बच्चे हैं। मुझे भी बड़ा इनाम दें, मैं मॉनिटर हूँ।